अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी कैडरेस पार्टी है, तो कैडरों को तो अभी देश के अंदर से खत्म कर दिया गया है, कहीं भी बहुजन समाज के कैडर नहीं हो रहे हैं, तो कैसे कैडर चालू होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उनके पीछे क्या आपकी रणनीति रहेगी वो भी जरूर बताएं। देखिए कैडर तो हो रहे हैं जी, कैडर हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी निर्देश देती हैं, जिस तरह के निर्देश देती हैं कि कैडर हमको बंद कमरे में करने चाहिए, कैडर में हमें कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता कैडर को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, जिनमें समझने और समझाने की क्षमता हो, उन लोगों को बुला करके कैडर बताना चाहिए। वो ना करके अभी तक जनरली हम पूरे निर्देशों का हमारे लोग पालन नहीं करते रहे हैं, वो कैडर की जगह मीटिंग कर लेते थे, ओपन खुले में मीटिंग करते थे, उसको ही कैडर मान लेते थे। लेकिन आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को समझाया, बुला के बताया कि कैडर किस तरह से करना है। हमारा प्रयास रहेगा, हमारे जो दूसरे प्रभारी हैं एमएल तोमर जी, जो हमारे साथ एमएलसी भी रहे हैं और हमारे साथ अभी थोड़े दिन कर्नाटक में भी काम किए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष और हम तीनों लोग मिलकर के एक ऐसी टीम बना करके कैडराइज लोगों को तैयार करें, कैडर न सिर्फ कैडर तैयार करें बल्कि हम ट्रेनर भी तैयार करें। हमारा ये प्रयास होगा कि हम पहली बार दिल्ली में ट्रेनर्स भी तैयार करेंगे जो ट्रेनिंग जो कैडर देना जानते हों जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।